गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, आपको और आपकी पूरी फैमिली को। मॉर्निंग में या जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हो गए क्योंकि आज बहुत सारा काम है और रक्षाबंधन पे आज जो है हमारे घर पे गेस्ट भी बहुत सारे आने वाले हैं, आएंगे तो उनके लिए सबके लिए खाना ये सब बनाना है। बहुत ज़्यादा आज टाइम भी लगेगा और तो गर्मी, आज इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। मैंने सोचा था कि कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो सोचा आज का जो वेदर है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बट बोलते हैं ना रक्षाबंधन पे ऑलवेज इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है ना, तो आज भी वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फिर चलिए गाइस आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है बेडशीट को अच्छे से चेंज कर दूंगी और ये जो बेडशीट है मैंने मीशो से मंगवाई थी, कॉटन की बेडशीट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसका जो कलर है ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो राखी की थाल बिल्कुल सजा दिया है। सबसे पहले जो है राखी मैं अपने लड्डू को बांधती हूँ और उसी के बाद फिर सबको फिर राखी बांधी जाती है। जब तक उनको राखी नहीं बांधेंगे तब तक हम घर में किसी को भी राखी नहीं बांधते हैं। रक्षाबंधन पर जो है मैंने अपने भाई को एक टी शर्ट गिफ्ट की थी क्योंकि वो छोटा है तो इसलिए मैं ही उसको हर बार गिफ्ट देती हूँ। बीस से ज़्यादा लोग हैं तो चिकन बनेगा, फिश बनेगी क्योंकि हमारे इसमें जब भी फेस्टिवल होता है तो चिकन ही बनता है, ज़रूर बनता है। जो है मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है। जब मैरिज नहीं हुई थी तो उस टाइम पे क्या होता था, हम लोग मॉर्निंग में जल्दी से खाना बनाकर और इन्जॉय करते थे फेस्टिवल को, लाइक फोटो सेशन ज़्यादा होता था उस टाइम पर। अभी क्या होता है कि मेहमान आएंगे, आफ्टर मैरिज इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मेहमान आएंगे उनके लिए खाना बनाना है और नाश्ता है, स्नैक्स वगैरह, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और इस बार जो है सोहम की सिस्टर ये लोग बहुत लेट आए थे तो इसलिए आई थिंक 1 बजे के बाद ये लोग आए थे तो उस टाइम पर ये लोग सब राखी कर रहे हैं। और हम मेरे जो भाई बहन हैं वो मॉर्निंग में ही आ गए थे तो इसलिए मैंने पहले कर दिया था क्योंकि उस फास्ट होता है उस दिन, जब तक हम भाई को नहीं बांधेंगे तब तक अपना फास्ट नहीं खोलते हैं।
उसके बाद सब खाना खाने के बाद सब मिलके बैठ के बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा लग रहा था बहुत टाइम के बाद सब सिस्टर ब्रदर एक साथ हुए हैं, क्योंकि सब जॉब पर जाता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो बहुत अच्छा गया दिन। और यहाँ पर जो उसके बाद मैं पूरियाँ बना रही थी शाम के टाइम पे, क्योंकि मेरा एक जो भाई है वो वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाता है, तो वो उसको पूरी और जो पनीर की सब्जी बनाई थी वही सर्व करके दूंगी। Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world, riding on the road, into the unknown, all on our own, until we settle down, warming our heart, finding new bones, trying to find a place we call. तो गाइज आज का ब्लॉग जो है बस यही तक। आई होप आप लोगों को जो ये ब्लॉग है अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे ब्लॉग को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगेन हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को।